Hello friends, this is Trupti and I welcome all of you in my beautiful channel NPC, where you can learn all the concepts related to physics. And today's topic is all about the Newton's second law of motion. In our previous video, we have learned about the Newton's first law as well as law of inertia. And if you have missed that video, please check the description box. There will be a link and you get easily the videos related to class 11th chapter 5 laws of motion. Okay, and yes, one more important thing that I want to share with all of you guys, वो ये है कि इस चैप्टर से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड आपको जो भी नोट्स चाहिए वो आपको टेलीग्राम लिंक पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे वीडियो के जस्ट बाद. एंड नोट्स आपके हैंड रिटन नोट्स होंगे एंड दिस इज द बेस्ट थिंग. ओके, आई सजेस्ट कि आप भी हैंड रिटन नोट्स बनाइए, ठीक है? वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं बजाय PDF नोट्स के. ऑल राइट, चलिए लेट्स स्टार्ट आवर क्लास एंड न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. सो बेसिकली न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज द सिंपल केस and Newton's third law is also a simple case, but the main thing is Newton's second law, and this is the general situation. Okay, जो main आपका important law है वो Newton's second law ही है, ठीक है? Newton's first law, Newton's third law, ये general cases हैं. आपका जो main focus है वो second law पर ही होना चाहिए, और second law जो best होगा एक छोटा सा concept momentum पर, ठीक है? So हम पहले इस concept को समझते हैं and then Newton's second law को describe करते हैं. Okay, सो वॉट इज मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है? सो मोमेंटम इज बेसिकली डिफाइंड टू बी द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है? मीन्स अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, आपके पास सपोज ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का मास m है और ये मोशन कर रहा है वी वेलोसिटी से. जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उसके पास मास भी होगा एंड मोशन कर रहा है इन द सेंस वेलोसिटी भी होगी. तो ये दोनों चीजें, ये दोनों पैरामीटर्स जब किसी बॉडी में इंक्लूड हो जाते हैं तो उस सिचुएशन को हम मोमेंटम से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, एंड मोमेंटम इज डिनोटेड बाय द लेटर कैपिटल पी. कैपिटल पी से हम इसे डिनोट करते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक है? एंड मोमेंटम का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, दैट इज पी इज इक्वल्स टू एम वी, वेयर एम इज द मास एंड वी इज द वेलोसिटी. ओके, एम इज द मास एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल. ओके, एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, क्योंकि वी जो है वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो मोमेंटम इज also a vector quantity and the direction will be in the direction of velocity. ठीक है, momentum की direction किसके direction में होगी? velocity के direction में. क्यों? क्योंकि momentum velocity पर depend करता है. okay, इसका SI unit क्या होगा? so mass का होता है kg किलोग्राम and velocity का होता है meter per second. so SI unit होता है kg meter per second. and dimensional formula mass के लिए m and velocity के लिए lt-1, so mlt-1, this is the dimension formula. so this is the momentum. ठीक है, मोमेंटम के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हमने अभी डिस्कस किए. अब मोमेंटम का एक्चुअल फील क्या होता है वो हम कुछ एग्जांपल्स से समझते हैं. ठीक है, आपको ये तो पता है कि मोमेंटम टू पैरामीटर्स पर डिपेंड करते हैं. ठीक है, टू वेरिएबल्स पर डिपेंड करते हैं, मास एंड वेलोसिटी. ठीक है, तो हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिनमें मास कॉन्स्टेंट है, कुछ एग्जांपल ऐसे लेते हैं जिनमें वेलोसिटी कॉन्स्टेंट. ठीक है, सो हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं लाइट वेट व्हीकल एंड हैवी वेट व्हीकल. ठीक है, आपके पास टू व्हीकल्स हैं, स्मॉल कार है जो कि लाइट वेट है एंड लोडेड ट्रक है जो कि हैवी वेट है. अब इन दोनों व्हीकल्स को आपको पार्किंग एरिया में पार्क करना है. ठीक है, तो किस व्हीकल पर आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? ऑब्वियसली बात है कि जिसका मास ज़्यादा होगा उस पर आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. ठीक है, मीन्स मास ज़्यादा है इसका मतलब क्या होगा? मोमेंटम ज़्यादा है. दोनों व्हीकल के लिए आप वेलोसिटी तो सेम बात कर रहे हैं. ठीक है, वेलोसिटी की जो कंडीशन है वो सेम है बट मास डिफरेंट है. तो यहाँ पर मास डिफरेंट है तो मास किसका ज्यादा है? लोडेड ट्रक का. ठीक है, इसका मास ज्यादा है. यहाँ पर एम वन कर लेते हैं हम, एम टू मीन्स एम वन इज स्मॉलर देन एम टू. तो मोमेंटम भी एम वन का मोमेंटम स्मॉल होगा एज कम्पेयर टू द सेकेंड लोडेड ट्रक के. ठीक है, तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है. अब देखो सेकेंड एग्जांपल लेते हैं हम टू स्टोन्स का. हमारे पास टू स्टोन्स है और टू स्टोन्स को हमने एक हाइट से फेंक दिया. ठीक है, नीचे हमने थ्रो कर दिया. एक स्टोन जो है वो हैवी है, एक स्टोन लाइट वेट का है. दोनों स्टोन को सेम वेलोसिटी से फेंका और आपको आप नीचे खड़े हो, आपको उन स्टोन्स को कैच करना है. तो आपको ईजी क्या रहेगा? ठीक है, आपको किस स्टोन को कैच करने में थोड़ा ईजी रहेगा? जो लाइट वेट है. ठीक है, क्योंकि आपको हैवी स्टोन को कैच करने के लिए ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और लाइट वेट के लिए कम फोर्स लगाना पड़ेगा. तो कहीं ना कहीं फोर्स जो है एक न्यू कॉन्सेप्ट आ गया आपके पास कि फोर्स जो है वो मोमेंटम पर
डिपेंड करता है, मोमेंटम से रिलेट करता है। ठीक है, एक अदर एग्जांपल और लेते हैं स्पीड के लिए। ठीक है, अब अभी हमने स्पीड को सेम रखा था, अब हम स्पीड को डिफरेंट रख देते हैं। ठीक है, स्पीड इज अनदर इंपॉर्टेंट पैरामीटर। अब क्या करते हैं, गन लेते हैं, गन से आप बुलेट को फायर करना है। ठीक है, अब फर्स्ट केस में हम बुलेट को बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से फायर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी डिफरेंट है, मास सेम है, क्योंकि हमने बुलेट सेम ही लिया है, बट एक को ज़्यादा वेलोसिटी से थ्रो किया है एंड एक को कम वेलोसिटी से। तो जो ज़्यादा वेलोसिटी की, तो जब ज़्यादा वेलोसिटी से बात करेंगे तो वहाँ पर हार्म ज़्यादा होगा, बट एज कम्पेयर टू द कम वेलोसिटी से अगर फायर करेंगे तो वहाँ पर डैमेज कम होगा। तो हमने इन दोनों एग्जांपल्स में ये देखा कि अगर वेलोसिटी ज़्यादा है, वेलोसिटी इज ग्रेटर देन मोमेंटम इज ग्रेटर। ठीक है, मोमेंटम ज़्यादा होगा जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी भी मोमेंटम का एक पैरामीटर है और मोमेंटम जो है वो वेलोसिटी और मास से बना है। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड के केस में भी ये हो जाएगा कि जिसका वेलोसिटी ज़्यादा है उसका मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक अनदर एग्जाम्पल है क्रिकेट बॉल का। ठीक है, आपने देखा होगा जनरली कि जो क्रिकेटर्स हैं वो क्रिकेट बॉल को इस तरह से कैच करते हैं और उनका हाथ थोड़ा पीछे की तरफ जाता है। ठीक है, उन्होंने कैच तो कर लिया बट थोड़ा सा हाथ पीछे की तरफ जाता है, तो वो क्यों होता है? तो एक्चुअली क्या होता है कि जब आप क्रिकेट बॉल को कैच करते हैं तो उसका वेलोसिटी तो ज़्यादा होता ही है, बट वेलोसिटी ज़्यादा है और हमें इस तरह से उसे अरेंज करना है कि हमें फोर्स, हमें कम एफर्ट करना पड़े। तो हमारा अगर एफर्ट कम होगा, इन द सेंस अगर आप ज़्यादा टाइम लेंगे, ठीक है, आप यहाँ से इस आपके हैंड को थोड़ा सा पीछे करें, मतलब टाइम अगर आपने ज़्यादा ले लिया तो क्या होगा कि आपका जो अफेक्ट है, फोर्स का इफेक्ट है वो कम होगा। ठीक है, मीन्स फोर्स टाइमिंग पर भी डिपेंड करता है। ओके, तो फोर्स मोमेंटम पर भी डिपेंड करता है और फोर्स टाइमिंग पर भी डिपेंड करता है, इस एग्जांपल से हमें ये पता चला। ठीक है, तो यहाँ फोर्स और मोमेंटम का जो रिलेशन है वो हम सेकेंड लॉ में स्टडी करेंगे। अभी तक हमने ये एग्जांपल्स देखे थे जो कि फोर्स और मोमेंटम को रिलेट करते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, मीन्स अगर कोई बॉडी है तो उसका जो मोमेंटम है, मोमेंटम में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, मैंने क्या बोला कि फोर्स जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, मोमेंटम पर भी डिपेंड करता है और टाइमिंग पर भी। तो यहाँ पर टाइम भी ऐड हो जाए मोमेंटम में, तो इस तरह की सिचुएशन, इस तरह का केस बनाने के लिए हमें ये वर्ड यूज़ करना होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, मीन्स डेल पी बाई डेल टी, इसे पूरे को आप क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। जितना फोर्स अप्लाइड करते हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करेंगे तो एक कॉन्स्टेंट टर्म लगेगा और कॉन्स्टेंट टर्म जो है उससे सिंप्लिसिटी के लिए हम वन कंसिडर कर लेते हैं। क्या वन? सो के प्लेस पर अगर वन पुट करेंगे तो फोर्स इज इक्वल टू होता है डेल पी बाई डेल टी, एंड दिस इज द एक्चुअल सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है। एफ इज इक्वल टू एम है सेकेंड लॉ, वो नहीं, वो एक जनरल सिचुएशन है। ठीक है, एक केस है, सिंपल सा केस है जो कि सेकेंड लॉ में आता है, बट यहाँ पर जो सेकेंड लॉ है वो एक्चुअल है, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम कंसिडर करते हैं हमारे पास एक बॉडी है और सेम मास की है। ठीक है, हमने बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी यू से मोशन करवाया एंड फाइनली वो व्हील वेलोसिटी से इस पॉइंट पर पहुंचा। ठीक है, तो मोशन करवाने के लिए हमें फोर्स की ज़रूरत है, फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स पोजीशन। ठीक है, तो फोर्स आपको चाहिए, सो आपके पास यहाँ पर टू वेरिएबल्स हो गए, मास भी हो गया, वेलोसिटी भी हो गया, तो इन दोनों से आप मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं। इनिशियल मोमेंटम पी आई इज इक्वल्स टू एम यू, ठीक है, एंड फाइनल मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी वी हो गई। ठीक है, अब चेंज इन मोमेंटम, सो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल ले लिया आपने, पी एफ के प्लेस पे एम वी एंड एम यू। ठीक है, यहाँ से एम कॉमन क्योंकि आप सेम बॉडी ले रहे हैं, मास सेम होगा, सो एम कॉमन, वी माइनस यू होगा और वी माइनस यू बाई टी वेलोसिटी में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज द एक्सेलरेशन। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट केस। ठीक है, एफ इज इक्वल टू एम ए, ये इसे केस क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस कंडीशन में हम एम को कॉन्स्टेंट रखते हैं तभी ये फॉर्म निकल कर आता है। ठीक है, ये पूरा फॉर्मूला निकल कर आता है जब हम एम को कॉन्स्टेंट रखते हैं। ठीक है, एक्चुअल आपका सेकेंड लॉ तो यही है, मोमेंटम में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो ये हुआ आपका। अब इसी केस को यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से ही आप क्या करें, टाइम को वेरी वेरी लेस कर दें। ठीक है, अगर टाइम,
If time should be very, very less, then del t tends to 0 and del t tends to 0, then यहाँ differential add हो जाएगा, ठीक है, differential form हो जाएगा. So f is equals to dp by dt होगा. Okay, p के place पे आप mv put कर दें, mass into velocity. So dv by dt is the acceleration. तो एक ये differential form भी है Newton's second law of motion का. Okay, so force is the product of mass into acceleration, and where m is the mass and a is the acceleration, and acceleration is the vector quantity. So force will be also vector quantity, and the direction of force will be depend on the acceleration. ठीक है, acceleration पर depend करता है इसका SI unit क्या होता है. So Newton होता है, mass into meter per second square. ठीक है, acceleration का meter per second square. So एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूटन. ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई एन. एंड सी जी एस यूनिट होती है डाइन. ठीक है, एंड डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम एल टी माइनस टू. तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूटन सेकेंड लॉ. आई होप आपको इसके सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे. न्यूटन सेकेंड लॉ को समझने के लिए आपको मोमेंटम का कॉन्सेप्ट चाहिए, और मोमेंटम के कॉन्सेप्ट में आपने सभी एग्जाम्पल्स देख लिए जो कि फोर्स और मोमेंटम और टाइम को रिलेट करता है. ठीक है, क्योंकि फोर्स इज बेसिकली डिपेंड ऑन द चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, तो हमने मोमेंटम में चेंज और टाइमिंग के सारे एग्जांपल्स देख लिए, और उसके थ्रू हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का जो फॉर्मूला है वो डिराइव कर दिया. ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर समझ में आए, पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी फैमिली और ज़्यादा बड़ी हो जाए. ठीक है, ताकि हम और भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की हेल्प कर सकें. सो थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच. अब नेक्स्ट क्लास में हम न्यूटन्स थर्ड लॉ पर डिस्कशन करेंगे. टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग. थैंक यू सो मच.